हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से एक करबद्ध प्रार्थना और भी है, हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही, और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे, और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा। साथियों, आज मेरा एक आग्रह मेरे अयोध्या के भाई बहनों से, आपको देश और दुनिया के अनगिनत अतिथियों के लिए तैयार होना है। अब देश दुनिया के लोग लगातार हर रोज अयोध्या आते रहेंगे, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, अपनी अपनी सुविधा से आएंगे, कोई एक साल में आएगा, दो साल में आएगा, 10 साल में आएगा, लेकिन लाखों लोग आएंगे।
और ये सिलसिला अब अनंत काल तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा। इसलिए अयोध्या वासियों को, आपको भी एक संकल्प लेना है, और ये संकल्प है अयोध्या नगर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का।